कजाफी स्टेडियम लाहौर से लाखों रुपए मालियत के 8 कैमरे चोरी। सीसीटीवी कैमरे पीएसएल की सिक्योरिटी के लिए नस्ब किए गए थे। चोर स्टेडियम के अतराफ में बिछाई गई कीमती केबल भी ले उड़े। जनरेटर्स की बैटरियां भी गायब। थाना गुलबर्ग में 2 मुकदमा दर्ज। पंजाब में पीएसएल मैचेस खटाई में पड़ने का खदशा। सूबाई काबीना ने सारे अखराजात बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया। 25 करोड़ पीसीबी दे, 25 करोड़ हम अदा करेंगे, काबीना का फैसला। इतवार और पीर के मैच शेड्यूल के मुताबिक होंगे। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सफाई के वाजबात मांग लिए। पीसीबी के जिम्मे सर्विसेज की मद में एलडब्ल्यूएमसी के 4,83,00,000 रुपए वाजिब अदा हैं। 2017 से किसी भी सीरीज के लिए सफाई के वाजबात की अदायगी नहीं की गई। चेयरमैन पीसीबी के नाम खत। NA193 राजनपुर में जमनी इंतखाब का मार्का, आज मैदान लगेगा। पीटीआई के मोहसिन लगारी और नून लीग के अमार लगारी में जोर का जोड़। पीपल्स पार्टी के अख्तर हसन गोरचानी भी किस्मत आजमाई करेंगे। इमरान खान और मरियम नवाज के दरमियान ट्विटर पर लफ्जी जंग। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर बिगड़ी। खातून के सोचे समझे हमलों का मकसद, इलेक्शन से फरार है। ये खातून करप्शन के पैसों से पली बढ़ी हैं, इलेक्शन से फरार के लिए आईन की खिलाफवर्जी पर भी तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हमला करके ये लोग विफाक को नुकसान और पाकिस्तान में जंगल का कानून ला रहे हैं, इमरान खान की तनकीद। आपकी चीखें गलत नहीं क्योंकि आप अपने गॉडफादर और उनकी बाकियात की मदद से साजिशों के सरगना हैं। अब आप देखेंगे कि बिगड़ी खातून आपको कैसे मात देती है। आप जैसे प्यादे गैर मुतालिका हो जाएंगे। आपका चोर डाकू का बयानिया मुंह के बल गिर चुका। अदालतों से इल्तवा की भीख, आपके मुजरिम होने का वाज़े एतराफ़ है, मरियम नवाज का जवाबी ट्वीट। जब से हुकूमत ख़त्म हुई लोगों से हमारे खिलाफ ज़बरदस्ती बयानात दिलवाने की कोशिश की जा रही है। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया, कानून की कोई परवाह नहीं, इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। महकमा तालीम के मुलाजिम पर बरहना करके तशद्दुद किए जाने का इल्ज़ाम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने की अपील। वज़ीर ख़ज़ाना ने डिफ़ॉल्ट से मुतालिक अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। हमारी मुआशी टीम दिन रात मेहनत कर रही है, मुश्किल से निकल आएंगे। कौम को किफ़ायत शारी अपनाने और अखराजात पर काबू पाने की ज़रूरत है, इसहाक डार का सेनेट की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के खसूसी इजलास से खिताब। मुल्क के मुआशी हालात के पेश नज़र सख्त फैसले करना होंगे, चेयरमैन सेनेट का वज़ीर ख़ज़ाना की राय से इत्तेफाक। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक मुल्तान में आमिर डोगर, ओन अब्बास और दीगर रहनुमा गिरफ्तारियां देने पहुंचे मगर पुलिस ने किसी को हिरासत में ना लिया। कायदीन और कारकुन मुंतशिर, अगले जुमे और हफ्ते को हम दोबारा इकट्ठे होंगे, रहनुमाओं का ऐलान। पीटीआई की जेल भरो तहरीक फैयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी, सदाकत अब्बासी अडियाला से डिस्ट्रिक्ट जेल शाहपुर मुंतकल। दीगर 41 कारकुनों को हाफिजाबाद जेल मुंतकल कर दिया गया। 1 माह की नजरबंदी की अहकामात। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात अस्खुद नोटिस केस। मुस्लिम लीग नून, JUI और पीपल्स पार्टी की सुप्रीम कोर्ट में नई दरखास्त। 2 जजेस को बेंच से अलग करके फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने की इस्तेदा। पाकिस्तान के अंदर हमने ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसको प्रोटेक्ट करना है, और इसलिए प्रोटेक्ट करना जरूरी है कि इदारे अगर होंगे तो आइन बचेगा। एक ही पार्टी है पाकिस्तान में जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बकायदा फिजिकली हमला किया,
ये सुप्रीम कोर्ट के जजों के अंदर एक सियासत खेल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर करना इनका मकसद है। इस वक्त 200 से ज़्यादा कारकुन तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। इन तमाम लोगों ने रिहाई की ऑफर्स मुस्तरद की हैं, हमारी लीडरशिप ने रिहाई की ऑफर्स मुस्तरद की हैं। सुप्रीम कोर्ट आइन को बचाने की वाहिद उम्मीद नून लीग का मकसद सिर्फ अदलिया को कमज़ोर करना है। इन्होंने माजी में भी सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। हुकूमत इस वक्त सिर्फ साजिशों में लगी हुई है। इदारे नहीं होंगे तो आइन नहीं रहेगा। 200 से ज़ायद कारकुन और सफ़े अवल की क़यादत जेलों में बंद है। लीडरशिप ने रिहाई की पेशकश मुस्तरद कर दी। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। मुल्की मुआशी सूरतेहाल के पेश नज़र पाक फ़ौज के बजट में कमी से मुतालिक बड़े फैसले। फ़ौज में हर किस्म की नॉन ऑपरेशनल ख़रीदारी पर पाबंदी आए। फ़ौज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की मद में अखराजात में 35% तक कमी का फैसला। फोर्सेस के यूटिलिटी बिल्स के अखराजात में 35 से 40% तक कमी की जाएगी। फैसले फौरी नाफिज होंगे। राशन और खाने पीने की अशिया के अखराजात में कमी से 20 अरब रुपये से ज़ायद बचत होगी। मुल्क आइनी जमहूरी और सियासी बहरान में है। कोई सियासी मुखालिफ ऐसा नहीं जो इंतखाबात में हमारा मुकाबला करे। आज तक जिसने भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ साजिश की वो नाकाम हुआ। प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हर शख्स को 25% ज़्यादा रकम मिलेगी। प्रोग्राम के तहत छोटे ज़मींदारों को बीज के लिए रकम देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। निज़ाम इंसाफ में कोई लाडला नहीं होना चाहिए। इमरान खान की लूटमार का हिसाब लिया जाए। कानून का इतलाक सब पर बराबर करना होगा। नून लीग की क़यादत के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। वज़ीरे आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ज़ाती मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह दी जाए तो सियासत नहीं रहती। गुज़श्ता 4 साल मुल्की वसाइल को बेदर्दी के साथ लूटा गया। तमाम मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाएंगी। अपने दौरे इक्तदार में मुल्क की हकीकी खिदमत करके जाएंगे। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। ममनुआ फंडिंग केस में फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत कार्रवाई। बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद का इमरान खान को 28 फरवरी को पेशी का हुक्म। इमरान खान ने मंगल को पेश होने का फैसला कर लिया। 7 पार्टी के सीनियर रहनुमा भी अदालत जाएंगे। रावलपिंडी डिवीजन के अहदेदारों को तैयारियां करने की हिदायत। जब से खान साहब के ऊपर कातलाना हमला वज़ीराबाद में हुआ है तब से हमें इस बात पे शक है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही तरीके से नहीं की जा रही। और सही तरीके से ना करने की वजह है कि हम इस बात पे पक्के हैं कि इसके अंदर राणा सनाउल्ला, इसके अंदर शहबाज शरीफ शामिल हैं और इस वजह से ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहे। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो दरमियान इन्वेस्टिगेशन के 4 अफसरान ऐसे जिन लोगों जो इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे पता चला कि वो उन पर दबाव पर डाला गया और उन्होंने सारा हमारा एविडेंस खुर्द बुर्द करना शुरू कर दिया। इमरान खान पर हमले की दुरुस्त तफ्तीश न होने में राणा सनाउल्ला मुलव्वस हैं। यास्मीन राशिद का इल्ज़ाम, कातलाना हमले के शवाहिद को ज़ाया करने की कोशिश की गई। पहले से मौजूद GIT को काम नहीं करने दिया गया। नई GIT में वो 4 लोग शामिल हैं जिन्होंने केस खराब किया। इमरान खान कहते हैं हमले में मौजूदा हुकूमत मुलव्वस है। PTI रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट बता देगी इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। खिलाफ वर्जी पर कौन जेल जाएगा। सारी कौम अदलिया के साथ खड़ी है। 13 जमातें इंतखाबात सियासी और मौशी इस्तेहकाम से फरारी हैं। क्या चचा का बचत प्लान भतीजी की शाहाना सिक्योरिटी पर लागू नहीं। शेख रशीद की तनकीद।
پی ٹی آئی کے 9 سابق ارکان قومی اسمبلی سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے، نشستیں بحال کرنے اور ضمنی الیکشن کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کے لیے درخواست دائر۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد 16 مارچ کے ضمنی الیکشن کا جواز نہیں رہتا، درخواست میں موقف۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات حامد خان گروپ نے میدان مار لیا، اشتیاق خان صدر منتخب، صباحت رضوی سیکرٹری کی نشست پر کامیابی حاصل کرنے والی پہلی خاتون وکیل بن گئی، نائب صدر کی سیٹ پر ربیہ باجوہ فاتح، فائنانس سیکرٹری کی نشست شاہرخ شہباز وڑائچ نے جیت لی۔ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کو مبارکباد، وکلا نے بارز میں بھی نون لیگ کی منفی سیاست کو دفن کر دیا، کمیونٹی نے واضح اشارہ دے دیا کہ اب صرف عمران خان کی سیاست چلے گی۔ چودھری پرویز الہی۔ کراچی میں مارکیٹیں رات 8:30 بجے، شادی ہالز اور ریسٹورنٹس 10 بجے بند کروانے کا پلان، تاجروں کا فیصلہ ماننے سے انکار، کمشنر کراچی کا چند گھنٹے بعد ہی یو ٹرن، ڈپٹی کمشنر کو لکھا خط واپس لے لیا، سندھ حکومت کو بھی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے وفاقی حکومت کے اقدامات کا انتظار۔